अंबिकापुर शहर के मणिपुर चौकी अंतर्गत एक युवती का अर्धनग्न लाश मिला है। शव देखने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवती की गला दबाकर हत्या करने की बात कह रही है। मणिपुर चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर खेत में युवती का शव मिला है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने युवती की लाश देखकर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवती की शव की पहचान करने में लगी है। फिलहाल युवती की हत्या गला दबाकर करने से बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही जिले की SP भावना गुप्ता सहित पुलिस के आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वहीं युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि मणिपुर चौकी के सामने स्थित खेत पर युवती का अर्धनग्न लाश मिला है, जहां अज्ञात के द्वारा युवती का गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मणिपुर पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। आज सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि मणिपुर चौकी के पास जो हाईवे है, हाईवे पर से कुछ दूरी पर तकरीबन 300-400 मीटर अंदर पर एक खेत पे एक महिला की जो है बॉडी मिली हुई है। इसमें अभी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अभी हम उसके शव निरीक्षण कर रहे हैं। और जो भी इसमें साथी आसपास के लोगों को बुलाकर सबसे पहले जो मृतिका है उसकी बॉडी की पहचान की जा रही है। और देखने से यह संभवतः यह प्रतीत होता है कि इसे गला दबाकर शायद मारा गया होगा, पर अभी अभी जब तक PM नहीं होता कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और इसमें हमारी अभी विवेचना जारी है और जल्दी हम इसमें दुष्कर्म की संभावना भी लग रही है सर। अभी जैसा मैंने बताया PM रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। इसमें अभी हमारी जांच जारी है। PM होने के पश्चात ही ये समझ में आएगा कि मृत्यु का कारण क्या था।